हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये माइक्रो क्रोशेट होता है और ये जो फ्लावर है इसका नाम है फॉरगेट मी नॉट। बहुत ही सुंदर फ्लावर लगते हैं अगर आपने देखे हो तो। इनका नाम ही बहुत प्यारा है, फॉरगेट मी नॉट। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, अभी किंगडम चैनल। हम यहाँ पे माइक्रो क्रोशर ज्वेलरी सीखेंगे। हम एक ज्वेलरी बनाएंगे, उसके लिए फ्लावर बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका नाम है फॉरगेट मी नॉट और ये ब्लू और येलो कलर का इसका मिडिल पार्ट होता है। बहुत इजी फ्लावर है, तो ये मैं आपको बताती हूँ पहले, फिर उसके बाद इसकी हम ज्वेलरी बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आपको चाहिए एंकर का थ्रेड, 6 स्ट्रैंड, ये भी येलो एंकर का थ्रेड, और हमें चाहिए 13 नंबर नीडल, ये 13 नंबर नीडल हमें चाहिए। कटर चाहिए, कटर चाहिए, और हमें चाहिए नीडल। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा ब्लू वाला है इसमें से 2 स्ट्रैंड्स, ये आपको पता है 6 स्ट्रैंड होते हैं, तो इसमें से हमें चाहिए 2 स्ट्रैंड्स। इसमें से हमें 2 स्ट्रैंड चाहिए, तो अप्रॉक्स आप जो है इसके अंदर से 30 सेंटीमीटर तक का धागा ले लीजिए, क्योंकि जो ज्वेलरी हम बना रहे हैं उसके लिए हमें 6 फ्लावर चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने कट कर दिया। ये हमारे देखिए, इसके अंदर जो है वो 6 स्ट्रैंड होते हैं, ये देखिए 6 स्ट्रैंड होते हैं। 1 2 हमें चाहिए 2, तो इसमें से आपको 2 स्ट्रैंड्स जो है वो निकालने हैं। ये 2 स्ट्रैंड्स हमने निकाल लिए, ऐसे ही हमें 2 स्ट्रैंड्स इसमें से लेने हैं, येलो वाले में से। ये देखिए 2 स्ट्रैंड्स हो गए। अब सबसे पहले हम जो है इस फ्लावर का मिडिल पार्ट बनाएंगे। मिडिल पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, मिडिल पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बहुत इजी होती है और मोस्टली सबसे अच्छा रहता है ये हमारा बेसिक कुछ भी बनाने के लिए। तो आपको फिंगर के ऊपर ऐसे ये धागा लेना है, इसे ऐसे क्रॉस करना है, फिर निडल जो है यानी क्रोशेट निडल है उसको, उसका जो हुक है उसको अपनी फिंगर की तरफ ऐसे डालिए, और ये जो ऊपर वाला क्रॉस पे जो धागा हमने लिया है इसको इस तरीके से ऐसे ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारी रिंग बन गई है। अब रिंग में हमें क्या करना है,
रिंग में हमें एससी बनानी है। एससी एससी यानी सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट का मतलब है कि आपको निडल के ऊपर कोई धागा नहीं लेना है इसमें रिंग में डालने से पहले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है, ये हम एक चेन ले रहे हैं। इसके बाद ये हमने वैसे क्या करते हैं, हम ऐसे धागा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डबल क्रोशेट या हाफ डबल क्रोशेट इस तरीके से होता है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर धागा नहीं लेना है। रिंग में आप पहले निडल को डालिए और इस तरीके से ये यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा, इन दो ये हमारे पास दो स्टिचेस आ जाएंगे। इन दो स्टिचेस में इस तरीके से लेके ये हो गया हमारा एक एससी। तो ऐसे आपको कितने बनाने हैं, 5 SC बनाने हैं, ओके। तो एक, दो, तीन, चार और ये 5। देखिए ये 5, ओके। ये हो गए हमारे 5। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने रिंग बनाई थी इसकी खास बात यही होती है, इसमें आप कितने भी बनाएं उसके बाद इसे खींच दीजिए तो जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसके बाद जो ये देखो ये जो हमारा फर्स्ट एससी था, ओके। तो इस फर्स्ट एससी में हमको एक स्लिप स्टिच बनाना है, ये ठीक है। इसको थोड़ा टाइट करो, एक ये स्लिप स्टिच हमें बनाना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, धागे को कर दो कट, ये कट कर दिया, इसको निकाल दिया बाहर। ये मैंने बाहर निकाल दिया, इसको थोड़ा सा सेट कर लो, ओके। ये देखो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको फिनिश करेंगे अभी निडल से। इसको हम जो है वो वीव कर देंगे, तो मैं भी बताती हूँ। ये देखो, इसने इसमें हमने इसको पक्का कर दिया है। अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर ये ब्लू वाला धागा लगाना है। तो आपको पता है 5 हमने एससी बनाए थे तो हमारे पास 5 पेटल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब उन जो हमारा एससी है उसमें हमें क्या बनाना है कि वो 5 पेटल्स बन जाए, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट एससी था ना जिसमें हमने स्लिप स्टिच करी है, उसी में ही हमें दूसरा थ्रेड लगाना है। इसको आप ऐसे पकड़ो धागा,
इधर से और ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक आपने स्लिप स्टिच लेनी है, एक, इसके बाद वन, ये दो हो गई हमारी चेन और ये तीन। अब इसके अंदर हमें दो जो हैं इसी में जहाँ पे हमने नया धागा लगाया है उसी में ही हमें डीसी बनाने हैं, यानी कि डबल क्रोशेट। तो ये एक डबल क्रोशेट, ये दो डबल क्रोशेट, फिर हमने तीन चेन बनानी है, वन टू थ्री, और उसके बाद इसी में ही, इसी जो हमने ये लिया था, इसी में ही हमें एक स्लिप स्टिच बना देनी है इस तरीके से। ठीक है, अब जो दूसरा हमारी वो थी स्टिच, ये वाली, इसमें फिर एक स्लिप स्टिच बनानी है, फिर तीन चेन बनानी है, थ्री, फिर उसके बाद हमें दो डीसी बनाने हैं, वन और ये टू, वन और सॉरी और ये टू। ठीक है, फिर थ्री चेन। तो ऐसे करके ये हमारी सेकंड जो है वो पेटल हो गई है। ऐसे ही आपको पूरा राउंड बनाना है। ये देखिए, टोटल हमारी फाइव पेटल्स बन गई हैं और ये फ्लावर बन गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये जो धागे हैं इनको आपको फिनिश करना है जिससे हमें एक छोटा फ्लावर ही मिले। ओके, तो मैं अभी इसे फिनिश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ये फ्लावर होगा और इसको इस तरीके से आपको फिनिश कर देना है। तो ऐसे टोटल हमें जो है वो सिक्स बनाने हैं। तो मैंने ये दो अलग कलर के बनाए हैं, दो अलग कलर के, ये देखिए। ये सिक्स फ्लावर हो गए हमारे। फिर ज्वेलरी के लिए हमें, मैंने एक ये बीट वाला बनाया हुआ है, ये देखिए, ये बीट्स। तो अब हम इसको कैसे ज्वेलरी बनाते हैं वो अभी हम देखते हैं। अब मैंने कुछ बीट लिए हैं, इसको हम थोड़ा सा देखिए, वाले बीड है, अब एक एक बीड से, एक एक बीड से हम जो है वो ये फ्लावर लगाएंगे। ये देखिए, दो डार्क है और बाकी चार जो है वो थोड़े लाइट कलर है। तो हम इसे सेट करेंगे पहले।
ये हम देखिए यहाँ से जाएंगे, फर्स्ट फ्लावर, बीच में हम थोड़ा डार्क फ्लावर लगाएंगे।
देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अब हम दूसरा कर लेंगे, तो मैं आपको दूसरा कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आप इसको स्टड भी बना सकते हैं और इसको हुक टाइप इयररिंग्स भी बना सकते हैं। तो मैं इसे स्टड बना रही हूँ, उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए टू स्टड पिन, टू स्टड लॉक। ओके,
अब हम इसको इसके पीछे इस तरीके से लगा देंगे, लेकिन जब हम लगाएंगे ये इस तरीके से लगेगा, जब हम इसे लगाएंगे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, येलो कलर का थ्रेड लेना है, ये येलो कलर का थ्रेड लेना है, मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग के बाद मैंने आपको बताया ये ऐसे लूप लिया, ये हमारी रिंग बन गई। और अब जो है इसमें हम बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और ये 3। इसके बाद हम इसमें जो है वो 5 या फिर 8 हम डीसी बनाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल होता है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के साथ काम करना, पर धीरे धीरे क्या होता है वो आ जाता है फ्लो में। इसकी जगह आप जो है वो टैटिंग थ्रेड भी ले सकते हैं या फिर पर्ल कॉटन भी ले सकते हैं, लेकिन हुक थोड़ा आपको फिर मोटा लेना पड़ेगा, 0.75 का। ये देखिए आपको इस तरीके से बनाने हैं राउंड, मैंने इसमें 12 जो है वो डीसी बनाए हैं, ये देखिए। तो ऐसे आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। अब ज्वेलरी कंप्लीट करने के लिए हमें, अगर हम फैब्रिक लगाएंगे तो हमें चाहिए फेविक्रिल, और जब हम मेटल लगाएंगे तो हमें चाहिए 27,000। ओके, तो अब क्या करना है, इनको आप रिवर्स रखिए इस तरीके से, थोड़ा सा इसमें जो है ये जो इसके थ्रेड्स हैं ये थोड़े बीच में कर लीजिए यहाँ पे। ओके, इस तरीके से। अब जो मेटल पार्ट है, मेटल पार्ट जो हमें लगाना है इस पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहां लगाया, थोड़ा सा बीच पे लगाया, और इसके ऊपर ये स्टड पिन हमने इस तरीके से लगा दिया ऐसे, और यहाँ दूसरे वाले पे ये इस तरीके से। ओके, अब क्या करना है, ये बहुत सिंपल वाला ज्वेलरी थी आज, अभी हम नेक्स्ट जो है मैं अच्छे अच्छे आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा थ्रेड हमारे यही रहेंगे। तो अब इसके पीछे आपको लगाना है इस तरीके से, और ये जो है इसमें आप इसमें पहले भी लगा सकते हैं कि इसको इस तरीके से निकालिए, और बीच में जो ये इसमें स्पेस बना हुआ है ये इस तरीके से ऐसे लगा दीजिए।
कम से कम 2 आवर्स इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ये देखिए ऐसे ही इसको करना है। तो ये हमारे स्टर्ट तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर हमें रखना पड़ेगा, 3 आवर्स तक, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे और आपको और भी जो है वो ज्वेलरी सीखनी हो अगर माइक्रो क्रोशेटिंग, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।